हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं इस समय बालाकोट में उपस्थित हूं और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह हर वर्ष की भांति आज भी सप्तमी में झाड़ू और दूध ढारने के लिए उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़ है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ यह कार्यक्रम किस प्रकार होती है और कितनी संख्या में भीड़ होती है। तो दोस्तों, आप बने रहिए। ये जो रोड के दोनों साइड बैठे हुए भक्तों की भीड़ है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी दूरी तक बैठे हुए हैं, यानी कि हजारों की संख्या में ये भक्तगण है। एक दो घंटा वहाँ भी तो सबको परेशान है, जाएगा रो लगाते जाएगा, आने का वहाँ चांस है नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब जा रहा हूं मंदिर परिसर के पास और कुछ ही समय के बाद यहां पे शुरू होने वाले है झाड़ू का कार्यक्रम। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहां पे खाली करा रहे हैं। अब कुछ ही समय के बाद वहां पे भक्तगणों की भीड़ आने वाली है और ये देखिए, आने की सिलसिला जारी हो चुका है। आप यू ही वीडियो में देखते रहिए। चंदन अरे उंडा करने जाओ, इतना इतना से चलो स्टाप करो। जो भी बात है काम ले रहा है, जो ले रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। काका मुक्ति बात राम राम है, ये भी बोला है काम बोले काम बोले एकदम बंद हो गया। अरे मिल गया दोस्त। जो भी भक्तजन छाला दे रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना भक्तजनों से अनुरोध है उनको वहीं पर रखने का। अंकुश कुमार जिसका उम्र लगभग 6 वर्ष है, मंदिर में लाने का कष्ट करेंगे। अंकुश कुमार जिसका उम्र लगभग 6 वर्ष है, जिन भक्तजनों को मिले वो मंदिर में लाने का कष्ट करें। मंदिर में लगे CCTV कैमरे की निगरानी में है। हेलो, परी दुर्गा पूजा समिति पार्को। तो दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित भक्तगणों की जन सैलाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ किस संख्या में होगी।
जैसे कि लग रहा है कि जैसे चींटी चल रही है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, हजारों वर्ष से चली आ रहे।